तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला और आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि पढ़ें कैसे, और उसके साथ हम बात करेंगे टाइम टेबल की। किसकी? टाइम टेबल की। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कई दिन से मेरे लाइव सेशन में कह रहे थे, सर टाइम टेबल पर बात करिए, क्योंकि जब से ये 72,000 वैकेंसी की बात जो है जब से आई है, तब से वो ज़्यादा पैनिक हो गए हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी हो जाए और इस बार सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि आखिरी उम्मीद उनकी ये भर्ती लग रही है। जिस प्रकार का रवैया आप देख रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी जा रही हैं हर क्षेत्र में, तो जिन लोगों के पास और कोई चांस नहीं बचा है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, वो परेशान है कि किसी तरीके से यहाँ उनका सिलेक्शन हो जाए। और उनके साथ साथ हमारे वे भी साथी हैं जो पहली बार टेक्निकल आर्ट दे करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके मन में एक दुविधा है कि सर हमने तो बीएससी किया है, सर हमने तो बीटेक किया है, सर हमने तो बीए में इतिहास और भूगोल पढ़ा है, कला को कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत प्रकार के सवाल उनके जहन में हैं। मैं कोशिश करूंगा हर उस सवाल का जवाब इस सेशन में आपको दे पाऊं। तो ध्यान से हर चीज़ को समझना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाली वैकेंसीज की तैयारी को लेकर के, ठीक है ना। तो सब पर बातचीत करेंगे, कैसे आपको तैयारी करना है, ये विषय कैसा है। ये बहुत अलग विषय है भाई, बाकी विषयों से इसका नाता एकदम से अलग है, और इस विषय की तैयारी भी थोड़ा अलग तरीके से होती है। तो जब तक इसके साइकोलॉजी को आप नहीं समझेंगे ना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और एक चीज मैं कहता हूं कि अगर कला का अध्यापक बनना है ना, तो मन से अतरंगी हो जाइए। मन से अतरंगी होने का मतलब ये नहीं कि बाल में रंग लगवा लीजिए और दाढ़ी बड़ा कर लीजिए और उल्टे सीधे जो चश्मे लगाइए, नहीं। मन से अतरंगी होने का मतलब ये होता है कि कला के बारे में विचार कीजिए। जब तक आप किसी विषय को अंदर से आत्मसात नहीं करते ना, उसका सम्मान नहीं करते, आप उस विषय के अध्यापक नहीं हो सकते। कोई जुगाड़ उगाड़ से अध्यापक हो जाए अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल अध्यापक आप नहीं बन पाएंगे। तो कला को थोड़ा सा समझिए, उसके प्रति अपने अंदर एक अनुराग पैदा करिए, तभी जा करके आपका चयन इस विषय में हो पाएगा। और गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही अध्यापक भी इंपॉर्टेंट है। कई बड़े कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, जिन्होंने सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ाया, पैसे ले लिए बहुत ज्यादा। कई सारे छात्र ऐसे भी हैं जो फोन करते हैं और अपनी दुविधा बताते हैं कि सर विश्वास नहीं होता। मैं समझता हूं उनकी दुविधा को। आप लोग कहते हो कि 1500 क्या होता है, 2000 क्या होता है, 3000 क्या होता है। किसी बेरोजगार आदमी के लिए 1500 रुपये बहुत है साहब। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जब आप कन्विंस हो जाएं कि कोई अध्यापक आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, उसके बाद ही किसी को पैसा देना। कोई चंद किताबें और नोट्स खरीद करके अगर आपको कला पढ़ा दे, इतना सिंपल नहीं है ये। तो ध्यान से जब कहीं भी आप पढ़ाई करें, किसी से भी पढ़ाई करें, अच्छे से देखना, उसके बाद ही पढ़ना। तो चलिए हम बात करते हैं, टाइम टेबल पर बात करेंगे, कला विषय की तैयारी को लेकर के किस प्रकार से आप रणनीति बनाएं ताकि आने वाले एग्जाम में आप सफल हो सकें, ठीक है ना। और सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि जो टेक्निकल आर्ट वाले आ रहे हैं, जिनकी संख्या अभी वर्तमान में 90% है, जो टोटल लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके संख्या में 90% ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल आर्ट से आए हैं। किससे आए हैं? टेक्निकल आर्ट से आए हैं 90%। आपको बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग खोजे खोजे मिलते हैं। 100 स्टूडेंट अगर होंगे तो आपके पास चंद 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएफए होंगे, एमएफए होंगे, बीए या एमबीए होंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग। क्योंकि ये डिग्री लेना आसान नहीं है, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसमें प्रैक्टिकल होता है, चित्र बनाने पड़ते हैं। और जिन्होंने अपने हाथ से कभी ढंग से पेंसिल भी नहीं पकड़ा ना, उनके बस की बात नहीं है। प्राविधिक कला कर लिया और अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर एक जरूरी चीज समझना यह है
कि टेक्निकल आर्ट की जो डिग्री है ना, ये 90% स्टूडेंट के पास है और सिलेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि जिनको ब्रश पकड़ना आता है, जो रंग अच्छे से पहचानते हैं, जो रंगना जानते हैं, वही सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं, संबंध ही नहीं कुछ। यहां आपको पढ़ना क्या है? यहां आपको पढ़ना है कला का इतिहास। कला का इतिहास आपको यहां पर पढ़ना है। और ये कला का जो इतिहास है ना, ये ब्रश पकड़ने से नहीं आता है, ये आता है पेन को हाथ में पकड़ करके किताब पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से, क्लासेस को देखने से। और कला इतिहास जो है ना, ये जब तैयार होगा तब जाकर के आप टीजीटी में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर कोई टेक्निकल आर्ट करके आ रहा है तो उससे बिल्कुल इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये अलग सा विषय है, बिल्कुल मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग और बीएफए वालों को पेंटिंग बनाना आता है, उनके अंदर आत्मा में कला हो सकती है, बट कला इतिहास की तैयारी उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत बड़ा है अगर आपने प्राविधिक कला किया है तो, नहीं, कॉम्पिटिशन बिल्कुल उतना ही जितना और लोगों के लिए। आप बीएससी करके आए हों, आप बीटेक करके आए हों, आप बीए करके आए हों, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कंपटीशन आपको मिलने वाला है, चाहे कोई कला बैकग्राउंड का हो या कोई नॉन आर्ट बैकग्राउंड का है। तो ये भ्रम पहले निकाल दीजिए कि अगर मैं दूसरे बैकग्राउंड से हूँ, मैंने किसी चाचा ने कहा कि प्राविधिक कला कर लो और वो बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएशन किसी से भी किया तो आप टीजीटी दे सकते हो, हमने फॉर्म भर दिया और सर तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी कर लीजिए, लेकिन सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा गुरु, दिन रात एक करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। संख्या बताऊंगा तो आपका होश खराब हो जाएगा। इस बार जो वैकेंसी आएगी ना, वो 250 से लेकर के 350 के बीच में कहीं पर हो सकती है कला विषय में, और ये बालक वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, बालक वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पे कम हो सकती है। और अप्लीकेंट का संख्या अगर आप सुनेंगे ना तो होश खराब हो जाएगा आपका। अप्लीकेंट का संख्या कितना होगा? 1,00,000। इससे कम फॉर्म अगर पड़ गए तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, एक्सपीरियंस है। 1,00,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे, पद कितना है? 250 से लेकर के 350। अरे तो यूपीएससी का एग्जाम बना दिया है, और किसने बनाया जानते हैं? इस टेक्निकल आर्ट की डिग्री ने। अगर टेक्निकल आर्ट का डिग्री ना होता तो यहां पर आपको बहुत कम संख्या दिखती। हमने वो दौर भी देखा है, हमने देखा जब एक बैच में हम लोगों के 25 स्टूडेंट हुआ करते थे। पिछले 3 साल में प्राविधिक कला वालों की संख्या खूब बढ़ी है, और उसके पीछे कारण जानते क्या है? एक स्वीट पॉइजन है एसएससी को मैं स्वीट पॉइजन बोलता हूं, यह धीरे धीरे असर करता है, जिंदगी खराब कर देता है। निकल गया तो बहुत बढ़िया, जल्दी निकलता नहीं आसानी से, ये एकदम से बर्बाद हो गया। आज के 3 साल पहले हर दूसरा लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैग टांग के निकल पड़ा लखनऊ के लिए, इलाहाबाद के लिए, कहां जा रहे हो? एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। अब क्या है, किसकी तैयारी कर रहे हो? लेखपाल की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हो? अरे वो प्राविधिक कला कर लिया था, टीजीटी का एग्जाम देंगे, अब लक सही हुआ तो मास्टर बन जाएंगे। और इसी बीच में 2 बड़ी भर्तियां हुई प्राइमरी शिक्षक की, एक तो 68,000 और दूसरी 69,000। इसने ना पूरा खेल बदल दिया। इस वैकेंसी से पहले अध्यापकों की बात कम होती थी, लेकिन इस वैकेंसी ने ना पूरा खेल ही बदल दिया, सिनारियो चेंज कर दिया नौकरी का। कैसे? लोगों ने कहा कि यार वहां तो मारा मारी हो रहा है, कहीं 200 पद आ रहे हैं, कहीं 150 पद आ रहे हैं, यहां तो 69,000-68,000 पद आ रहे हैं। लोगों का ध्यान गया कि अध्यापक बनने में फायदा है, ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, खर्चा बढ़िया चल जाता है, और अगर कहीं वाइफ भी मिल गई मास्टर तो फिर जिंदगी के 4 चांद लग गए। इससे क्या हुआ कि लोगों का ध्यान गया कि मास्टर बनना कैसे भी कहीं से भी। मैं भी देखता हूं कि टेक्निकल आर्ट में पुलिस वाले बहुत हैं, सेना वाले भी खूब हैं, जो कलर वगैरह हो गए थे दौड़ वोड़ करके वो भी खूब हैं, क्योंकि इस नौकरी में आराम है,
अच्छा साहब, शर्ट में क्रिच बनाया, पैंट में क्रिच बनाया, चले गए मास्टर साहब पढ़ाने, घर के आसपास कहीं विद्यालय है, पढ़ाया, 50-60 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही, जिंदगी मस्त है। तो इन सब कई कारणों ने टेक्निकल आर्ट की संख्या को बढ़ाया और कंपटीशन का लेवल बहुत हाई कर दिया, ठीक है ना। और यकीन मानिए कि कोई ऐसी बात नहीं कि जो नए इस फील्ड में आए टेक्निकल आर्ट वाले वो बाहर हैं गेम से, ऐसा नहीं है। गेम में कौन है ये डिसाइड वो करेगा। हमारा काम बहुत ही सिंपल सा है, 10% काम है हमारा, अध्यापक का काम 10%। आपको बता देगा कि राजा रवि वर्मा ने तेल विधा का आविष्कार किया हिंदुस्तान में, वो आपको बता देगा कि पौराणिक कथाओं पर उन्होंने चित्र बनाए, वो बता देगा कि आपके घर में जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं उसको राजा रवि वर्मा ने पहले बनाया था, वो आपको बता देगा कि भारत माता की पेंटिंग जब रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई तब जा करके बंगाल विभाजन में एक जान आ गई थी। मैं आपको बता दूंगा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वात शैली का जन्म दिया, नई बंगाल शैली नंदलाल बोस ने चलाई, यामिनी राय को नहीं पसंद आया तो लोक कला में चले गए, सब कुछ आपको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कंज्यूम आपको करना है, कंज्यूम आपको करना है। कितना आप उसमें रस निकाल के कंज्यूम कर पाते, कितना आप उसको पी लेते हैं, इस बात से तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा है और इस बार कट ऑफ 115 से नीचे नहीं आने वाले हैं। जनरल का कट ऑफ 115 मान के तैयारी करना, और अगर इतना करने की हिम्मत नहीं छोड़ दो यार, टाइम मत बर्बाद करो, कुछ और कर लो, शिकंजी बेच लो यार, गर्मी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छा चीज है। और अगर करना है तो लग जाओ भाई, सही स्ट्रेटजी, सही मेहनत, सही जगह पर वार करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कला की तैयारी को लेकर के, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बताता हूँ। जो सिलेक्शन हुए हैं मेरे जानने वाले लोगों के, स्टूडेंट्स के, साथियों के, वो कैसे सिलेक्ट हुए हैं, उनका पढ़ने का तरीका कैसा था, उनकी पूरी क्रोनोलॉजी कैसी है, इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, दो चीज़ होती तैयारी में, एक होता है अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं समझ, क्या कहते हैं, झा लिख रहा हूं, छा लिख जा रहा है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा चीज होता है एक फैक्ट, जिसे तथ्य कहते हैं। और पूरा का पूरा खेल जो है ना, किसी भी तैयारी का, आईएएस से लेकर के लेखपाल तक, इसी पर डिपेंड करता है कि इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको आपने कितना बेहतर बनाया है, इसके बीच का जो समावेश है, जो समावेशन है, वो कितना शानदार है आपका, और यही डिसाइड करता है कि आप सिकंदर होंगे या हार जाएंगे। कला विषय में कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, इसके बीच में सामंजस्य आप कैसे बना पाएंगे, इसको अगर समझ लिए ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं से मैं टाइम टेबल आपका निकालूंगा और पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना पूरी बात को। कोई कला अध्यापक आपको इतनी गहराई में जाकर के कला नहीं समझाने वाला, ठीक है ना। तो क्रेडिट अगर देना है तो लाइक कर देना। अंडरस्टैंडिंग और तथ्य, तो जब तक आप विषय में समझ नहीं बना पाते तब तक क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो सतही रहेगी, आप दूर रहेंगे, तथ्य आपके दिमाग में कुछ रहेंगे क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं, पलट रहे हैं पन्ना, बट वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप जीत नहीं पाओगे। सत्य है जीवन का, कॉन्फिडेंस ही है जो आपको जिताता है, सबसे बड़ा चीज कॉन्फिडेंस ही है। और जब अंदर से आपकी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई भी आप प्रैक्टिस पेपर दे दो, मैं 110 112 क्वेश्चन सही करूंगा, उसी दिन उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसको उसने पूरे विषय को समझ लिया है। और जब तक आप विषय को नहीं समझ पाएंगे ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप दिन में 8 घंटे पढ़ लीजिए नहीं हो पाएगा,
कई लोग सोच रहे होंगे सर अगर 10 घंटे पढ़ाई कर लो ना तो मेरा काम बन जाएगा। मैं कहता हूं 10 नहीं, आप 22 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। आपने अगर तरीका सही नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा कि सर 5 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मैं फेल हो गया। वो ये समझ नहीं रहे कि वो 5 क्वेश्चन मेरे क्यों नहीं सही हुए। क्योंकि वो कंफ्यूज थे विकल्पों में, 2 विकल्प में, 3 विकल्प में। क्या सही होगा? अबुल हसन होगा कि आकारिजा हो जाएगा? दसवंत होगा कि बसावन होगा? नहीं पता है। वजह क्या है? ठूस ठूस के बूसा के जैसा दिमाग में भर दिया फैक्ट को, रट लो, रट्टा मार लो, किताब एकदम। डॉक्टर रीता प्रताप, राकेश गोस्वामी, अविनाश बहादुर वर्मा, रवि साखालकर, विनोद भरद्वाज, सब कुछ एकदम चटनी। हुआ क्या? आपके दिमाग में ना सब जंबलिंग हो गया। एग्जाम के दिन क्या हुआ कि जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कहीं मिल गया रास्ते में। कहाँ जा रहे हो गुरु? पेपर देने जा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हुआ, सब मटिया मेट। मेहनत किया तो उसका परिणाम मिलेगा, आपके सही हो जाएंगे 90 प्रश्न। उससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब आप 115 क्वेश्चन सही करेंगे। वो कैसे होगा देखते हैं। समझ कैसे आपकी विकसित होगी? तो समझ आपकी तब विकसित होगी जब विषय पर आपका पकड़ होगा। और आप कहेंगे कैसे होगा? तो मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा आपका कैसे होगा। आप अभी करते क्या है कि 10 यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होंगे, वो क्या पढ़ा रहे हैं, फला क्या पढ़ा रहे हैं, ढिका क्या पढ़ा रहे हैं, और 10 किताबों को फॉलो करते होंगे। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं, अगर सफल होना है तो एक किताब पकड़ लूं। अगर 1 से 2 किताब हो गई ना, फिर असफलताओं का दर आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टीजीटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, एक किताब पकड़ लीजिए आप, किसी भी अच्छे लेखक की, अच्छे टीचर से गाइडेंस लेकर के। 10 रख लिया ना, 10 में कंफ्यूज हो जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मुझसे आकर के दस्तखत करवा लीजिए। एक अध्यापक का एक बुक पकड़िए, 10 किताब नहीं, इस एक अध्यापक के किताब को 10 बार पढ़िए। क्या करना है? 10-20 किताबें नहीं, 10-20 बार पढ़ना है एक किताब को, तब जाकर के आपका उस विषय में समझ विकसित होगा। आपने क्या किया कि एक पेज पढ़ लिया डॉक्टर रीता प्रताप से, दूसरा राकेश गोस्वामी से पढ़ लिया कि यार सवाल तो राकेश गोस्वामी से आए थे, वो फलाने चाचा कह रहे थे वहीं से सवाल आया था, इस बार फिर वहीं से आएगा। अब फलाने चाचा खुद नहीं पास हुए, उनका ज्ञान क्यों ले रहे हो? अगर डॉक्टर रीता प्रताप से पढ़ रहे हो तो पढ़ डालो ना पूरा बुक, एक तरफ से पढ़ो पूरा बुक, अच्छी किताब है। और अगर राकेश गोस्वामी पढ़ रहे हो तो उसको एक तरफ से पढ़ लो। अगर डॉक्टर रीता प्रताप को पढ़ रहे हो, अविनाश बहादुर वर्मा को पढ़ रहे हो, विनोद भरद्वाज को पढ़ रहे हो, अगर वेस्टर्न में रवि साखालकर को पढ़ रहे हो, एक तरफ से पढ़ डालो यार। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ डालो, भटको मत। सबसे बड़ी गलती क्या है? भटकना। और जो दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते जानते क्या है? 10 अध्यापक का वीडियो देखेंगे, कम से कम 10 अध्यापक का। आज फला आर्ट टीचर, कल ढिकार टीचर, आज इनके दुकान पर टमाटर लेना है, कल उनके दुकान पर सेब लेना है, परसों उनके दुकान पर मूली लेना है। इससे आपका सलाद अच्छा तैयार हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। किसी एक को पकड़िए और उसकी बनाई हुई रणनीतियों पर चलिए कि वो जिसको फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूं, मैंने एक स्ट्रेटजी बना करके रखा है, सिंपल सा बात समझ लीजिए, खुलेआम बता रहा हूं। मेरा एक ही सिद्धांत है, जो मेरा पेड़ बैच चल रहा है, मैं प्योर थ्योरी पढ़ाता हूं, प्योर थ्योरी। समझ बनाइए कला विषय में, गहरी समझ, और उसके बाद में रिवीजन में लग जाइए। एक ही चीज को बार बार रिवीजन करिए, 10 किताब नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़िए। ऐसे हर अध्यापक का अपना अलग अलग है, तो 10 में मत फंसिए।
किसी एक को फॉलो करिए और उसी को फॉलो करिए, किसी एक किताब को फॉलो करिए और उसी को फॉलो करिए, तब जाकर के आपका चयन हो पाएगा और उससे आपकी समझ विकसित होगी। एक नियम है, एक साइंटिफिक रिसर्च है, मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी बुक को एक बार पढ़ते हैं तो मात्र 20% आप जो पढ़ते हैं वो कंज्यूम कर पाता है आपका दिमाग। जैसे आपने 500 पेज की एक किताब को पढ़ लिया मान लीजिए 25 दिन में, तो क्या होगा कि उसका 20% आप कंज्यूम कर पाएंगे, बाकी 80 आपके दिमाग से कब निकल गया आपको खुद पता नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस हो सकता है आपको आ जाए कि मैंने पढ़ लिया, वो काम नहीं करेगा। दूसरी रीडिंग मारेंगे ये 30% पहुंच जाएगा, तीसरी रीडिंग मारेंगे 35% पहुंच जाएगा, चौथी रीडिंग मारेंगे 40% पहुंच जाएगा। उसके बाद इसका दर क्या होगा, धीरे होना है। जब आप इसको 10 से 15 बार पढ़ेंगे ना, तब जाकर के आपका 60-70% इस पर पकड़ बन पाएगा। और ये बहुत कठिन बात है, बोर कर देता है, किताबों के पन्ने फट जाते हैं पेन चला चला करके। यहाँ क्या है, किताबें एकदम नई रखी हुई हैं, 4 पेज पढ़ा था इसका, 5 उसका पढ़ा, 6 उसका पढ़ा, फेल हो गए। यार जब 5 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो हो जाता, कैसे सही होंगे 5 क्वेश्चन आपके? आपको किसी ने बताया तो दखनिया पढ़ने लगे, किसी ने आपको बताया तो आप मुगल पढ़ने लगे, किसी ने अचानक कहा नहीं पहाड़ी से बहुत आते हैं तो आप लग गए मोलाराम मोलाराम जपने। एक तरफ से पढ़ाई करिए, एक रणनीति बना करके पढ़ाई करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। तो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, अभी मैं समझ पर ही बात कर रहा हूं, एक तो किताब और अध्यापक का चयन हो गया, और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आजकल क्या है कि आपको चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं वीडियो ऑडियो के माध्यम से। किताब नहीं पलटना है, सीधे मोबाइल खोला, यूट्यूब पर खोला, झम से क्लास आ गया, सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। इसने कंटेंट तो आपको दे दिया, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्या आपके दिमाग का जो प्रोसेसिंग है ना उसको कम कर दिया, इसने बंद करवा दिया है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो, पहले क्या होता था, पढ़ाई करना है तो आपने किताब खोला, किताब में लाइन बाई लाइन आपने चीजों को समझने के लिए खुद का दिमाग लगाया। अभी क्या है कि मैं दिमाग लगा रहा हूं मैं, और आप आराम से कहीं से बैठ के देख रहे होंगे, हैं अच्छा अभी बताएंगे इनका काम है। हाँ है मेरा काम, मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको भी करना चाहिए। जब तक आप बारीकी से किताब को नहीं पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा। किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, कम देखा करिए वीडियो। सही चीज बता रहा हूं, देखिए इनकी आवश्यकता है आपको। परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, डिजिटल दुनिया के इस इस्तेमाल को आपको करना होगा, बट नोट्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, उसको सबसे नंबर एक पर रखिए, और वही आपके सिलेक्शन का रास्ता तय करेंगे। वहीं से आपका ये वाला जो पार्ट है ना, इस समझ, ये विकसित होगा। आप खुद समझ जाएंगे कि कहां से सवाल आ रहा है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो बात अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसा हो एकदम आखिरी में। फिर आता है आपका तथ्य, फैक्ट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। टीजीटी, पीजीटी या जो है एलटी ग्रेड, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल जो है वो फैक्ट का है। रटना पड़ेगा भाई, सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ समझ के काम नहीं चलेगा, रटना पड़ेगा। तथ्य बहुत हैं, लोग कहते हैं ना कि इतिहास में बहुत डेटा याद करना है इसलिए लोग इतिहास छोड़ देते थे, इसमें इतिहास से भी ज़्यादा डेटा है, तो रटना तो पड़ेगा। और रटने का भी तरीका होता है, आप सीधे सीधे जो है कोई पेपर उठा लिए और वहीं से आप लग गए रटने की, हम इसको तैयारी कर लेंगे, ऐसे नहीं। एक तरफ से
एक कलाकार को पकड़िए, उनकी सभी उनके बारे में सारी बातों को लिख लीजिए, उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, कौन कौन सी बातें उन्होंने बोली, उनका हो गया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, यानी कि स्टेप बाई स्टेप। जैसे जब आप कपड़ा पहनते हो तो सबसे पहले बनियान, फिर शर्ट, उसके बाद में उसके ऊपर से ब्लेजर वगैरह, ऐसा तो है नहीं कि पहले ब्लेजर फिर शर्ट उसके बाद बनियान, ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है। और आपका दिमाग ना एक तरीके से मशीन ही है, अगर सिस्टम से काम नहीं होगा, एक दो नट बोल्ट इधर उधर हुआ फिर काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जब आप कोई चीज़ रट भी रहे हो, तथ्यों पर जान लगा रहे हो ना, तो उसको भी सिमेट्रिक तरीके से करिए, स्टेप बाई स्टेप। पहले इनको करेंगे, फिर उनको करेंगे, फिर उनको करेंगे, देख लेना सफलता आपको हाथ लग जाएगी। तो ये दो तीन तरीके जो हैं, अगर इनका प्रयोग आपने किया तो कला में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब मैं चलता हूँ सबसे ज़्यादा जो वेटिंग बात है, जिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है पूरा, कि टाइम टेबल कैसे बनाएं और पढ़ाई उसके हिसाब से कैसे करें। तो जो बात मैंने आपको समझाई है वहीं से मैं निकालूंगा वो चीज़ें जिससे मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी काम के लिए आपका एक प्रयोजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसका एक होना चाहिए, एक खाका, एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, तभी जा करके आपको सफलता उसमें मिल पाती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास दिन में और रात में मिला करके आपका सारा काम निकाल करके 5 घंटा कम से कम आप दे सकते हैं इस विषय की तैयारी के लिए। मैं एज्यूम करता हूँ, इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे कम देते हैं ठीक नहीं है, इतना देना पड़ेगा तब जा करके काम बनेगा। मैं आपका 5 घंटे लेता हूँ कि आप 5 घंटे दे पाएंगे इस विषय की तैयारी के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप दे नहीं पाएंगे। हो सकता है एक आध दिन आपने पढ़ लिया लेकिन उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, सत्य बताता हूँ आपको। उम्र बढ़ने के साथ पढ़ने की जो क्षमता वो घटने लगती है, इस बात को आप लोग मानते होंगे। तो 5 घंटा आपके पास और इसको आपको मैनेज करना है। अमूमन होता क्या है कि लोग 6 बजे या 7 बजे के आसपास सभी नित्य क्रियाओं से मुक्त होकर के तैयार हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। वो पढ़ाई भी कर सकते हैं या कोई और काम भी कर सकते हैं। और मोस्टली होता क्या है कि लोग जो नौकरी करते हैं, पुलिस के जॉब में और सेना के जॉब का टाइमिंग का मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग प्राइवेट में हैं या किसी और जॉब में हैं उनका मैं बता रहा हूँ, तो उनको 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास अपने ऑफिस में पहुँचना होता है। तो उनकी निकलने की जो यात्रा है वो 9 या 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास सुबह का जो टाइम है ना, वो अगर आप 6 बजे तैयार हो जाते हैं तो आपके पास 2 घंटे का या 2.5 घंटे का टाइम है। सुबह 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपके पास है। तो इस 2 से 2.5 घंटे में आप एक नियम बनाइए, क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। सुबह सुबह आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी ना उसको रिवाइज करिए उस टाइम में जब आपका दिमाग खूब अच्छे से काम कर रहा हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है। बाकी सब्जेक्ट में क्या सिखाया जाता है कि जब फ्रेश हो तो आप नई चीज़ों को पढ़िए, मैं कहता हूँ कला में उल्टा करिए, क्योंकि यहाँ पर रगड़ने से ना काम चलेगा, रिवीजन खूब करना पड़ता है। तो आप जब आपका दिमाग फ्रेश हो ना तो रिवीजन करिए, याददाश्त आपका मजबूत होगा। और एक काम और करिए, योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपको किसी एग्ज़ाम में फैक्ट खूब तैयार करने हो तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ ध्यान जरूर लगाया करिए, अपने दिमाग को शांत करिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए। आप कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करते हैं ना तो वो अच्छे से काम करता है, ऐसे आपका दिमाग भी रिफ्रेश मांगता है। इसके बाद में आपके पास अगर हाउसवाइफ हैं तो दिन के बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली होती है, और जो जॉब करते हैं जो हाउस हस्बैंड है वो घर के बाहर जाकर के जॉब करते हैं, किसी भी काम में लगे रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 4 से 5 बजे तक वो फिर से खाली हो जाते हैं, 5 बजे तक वो फिर से खाली हो जाते हैं। और 5 बजे खाली हो गए तो उसके बाद में
6 से 7 हो सकता है कि फैमिली और सारी चीज़ों में कुछ सब्जी लाना है, कुछ एक छोटे मोटे काम करना, ये टाइमिंग उनका होता है। लेकिन 7 बजे से लेकर के रात के 11 से 12 बजे तक, यानी कि करीब 4 से 5 घंटे का टाइम उनके पास होता है। ये मेन टाइम है पढ़ाई का। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको क्या है कि इस 7 से 9 के बीच में ना खाना और वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा अपवाद है। उनके लिए ये जो टाइम है वो दिन में थोड़ा सा मैनेज हो सकता है डे टाइम में, क्योंकि उनके पास 7 से 9 अमूमन टाइम नहीं होता है, तो वो दिन में उसको मैनेज करें, और जो पुरुष हैं और शाम को इसको मैनेज करें 7 से लेकर के 10 तक, 11 तक 4 घंटे। और उसके बाद में रिवीजन तो आपने कर लिया, हर रोज नियम बना करके एक तरफ से स्टार्ट करिए। जैसे आप प्रागैतिहासिक काल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर के, तो पहला चैप्टर आज पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया, अगले दिन दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके अगले दिन तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके लिए अगले दिन चौथा चैप्टर पढ़ लिया। किसी भी यूट्यूबर का नहीं देखना है, आज वो क्या पढ़ा रहा है, कल वो क्या पढ़ा रहा है, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा है भाई, उसको पैसे कमाने हैं, आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। एक तरफ से नियम बना करके पढ़िए, आज पहला चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, परसों तीसरा चैप्टर, और जब एक बार समाप्त हो जाए, कुल मिला करके करीब 27 टॉपिक हैं जो आपको कला में देखने को मिलते हैं, इनको पढ़ जाइए एक तरफ से, खत्म हो जाए, इसको रिवीजन वाले पार्ट में ट्रांसफर मार दीजिए। और जब ये प्रक्रिया आप करेंगे, ये जो पूरा टाइमिंग है आपका, जब ये प्रक्रिया आप करेंगे, आप देख लीजिए एक महीना तैयारी करके, कॉन्फिडेंस अंदर से बोलेगा मैं कर लूँगा, हो जाएगा इस बार, मेरा पक्का आएगा, देख लीजिए आप करके। तो ये तरीका बनाइए। यहाँ पर मैं कोई स्पष्ट टाइम टेबल बना लूँ कि आपको 6 से 7 ही बैठना, ये गलत बात है। मैं रेंज आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। टाइम अपना खुद बनाइए आप लोग कि मुझे 2 घंटे तब निकालने हैं, 3 घंटे तब निकालने हैं, और तरीका ये रखना है। संडे को आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, मैं तो संडे को टेस्ट करवाता हूँ, तो उस दिन तो मैं पूरा समय ले लेता हूँ। तो संडे को आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, एग्जाम टाइम में इस टाइम को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन तरीका यही रहेगा, रिवीजन रीडिंग, रिवीजन रीडिंग। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले होंगे। मैंने थोड़ा अलग तरीके से आपको आज समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि समझो गहराई में जाकर के तर्क के साथ हर चीज़ को, उसके बाद में करो। तो जो अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है 4 अप्रैल से, उसकी जो पेड क्लासेस हैं उसमें अभी 5 क्लासेस हुई हैं, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616 8276 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप फ़ोन करके टेस्ट के बारे में या क्लास ज्वाइन करने के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मेरा भी एक पैटर्न है, एक स्ट्रेटजी है, और मेरा एक जिद है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने की, और इस जिद में मेरे हौसला मेरे कई छात्रों ने बढ़ाया है। जो मेरा टेस्ट ग्रुप है, मैं देख रहा हूँ कि 115-116 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मैं नाम गिना दे रहा हूँ, सूरज गंगवार, मीना त्रिपाठी, अवधेश यादव, सौरभ साहू, नीलम त्रिपाठी, नीलम सिंह, मैं नाम बता जुबान पे याद है मुझे, इनका सिलेक्शन होना है। ये हर टेस्ट में, मैं कैसा भी टेस्ट बनाऊँ, ये सही कर रहे हैं 116-117 क्वेश्चन। इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। इसी नाम में अगर आपको शामिल होना है तो आप हमारे तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आइए मिल करके मेरी स्ट्रेटजी पर, मेरे तरीके से पढ़ाई करते हैं, आपकी ज़िंदगी को सफल बनाते हैं एक सफल अध्यापक के रूप में, और आप सबके अध्यापक बनने से मेरी सफलता जुड़ी हुई है। तो फिर से ये नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, फीडबैक ज्वाइन करना है, तो आइए
साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और मेरे सभी साथीगण, आप सबसे एक निवेदन है, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और अगर बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि गुरुजी मज़ा नहीं आया। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं और मेहनत करके आऊँगा, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना और अपने कई साथियों को शेयर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।